नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो मेघा बरसिंगे की। दोस्तों, सीरियल मेघा बरसिंगे की कहानी में राजवीर ने चला दी है गोली, जो जाकर लग चुकी है मेघा के कंधे पर, यानी कि उसके हाथों पर, जिसकी वजह से मेघा हो गई है घायल। तो वही अर्जुन तलवर ने कर लिया है राजवीर को अरेस्ट और अब उससे उगलवा रहा है वो सच। उसके बाद राजवीर का सच जानने के बाद अर्जुन तलवर सीधे पहुंच जाता है मेघा के पास और उससे ढेर सारी माफिया मांगता है, गिड़गिड़ाता है ताकि वो उसे माफ कर दे और उसके आंखों से आंसू आ जाता है। और वो मेघा से माफी मांगने के बाद कहता है कि मुझे माफ कर दो मेघा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, ये गोली मुझ पर चलनी थी लेकिन तुम्हारी वजह से तुम बीच में आ गई और तुम्हें जो है गोली लग गई और मैं बच गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। ये सारी बातें जो है अर्जुन तलवर मेघा से कहता है और मेघा कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब तो एक हादसा था जो होना था, चाहे वो मेरे साथ हो या आपके साथ हो, लिखा हुआ था वो हो गया, वैसे अब इस बात के लिए आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी अर्जुन करता है राजवीर की बातों का खुलासा कि राजवीर ने हमला इसलिए किया ताकि वो अर्जुन को तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर निकाल सके और राजवीर को गोली चलाने के लिए मनोज ने कहा था, मनोज के कहने पर ही राजवीर ने तुम पर गोली चलाई है और वो गोली इसीलिए चलाई है ताकि तुम्हें वो समझा सके कि तुम अर्जुन तलवार की मदद ना लो, उससे दूर रहो और तुम्हारे घर वाले भी अर्जुन तलवार से तुम्हें दूर कर दें ताकि तुम मनोज के खिलाफ छानबीन ना करो, इन्वेस्टिगेशन ना करो। अब ये सब सुनने के बाद ना मेघा के और उसके घर वालों के होश उड़ जाते हैं और अब इसके बाद अर्जुन जो है एक प्लान बनाता है मनोज को पकड़ने का, क्योंकि अब मनोज को भी पता चल चुका है मेघा को, उसके पूरे परिवार को, कि उन लोगों पर मनोज ने नजर रखा हुआ है। तो उसकी नजरों से बचकर कैसे अब मेघा और अर्जुन मनोज तक पहुंचेंगे, ये देखना होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग।